الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ऐसे मोहब्बत के साथ पढ़िए। हुजूर की महफल है, इसके अंदर दुरूद और सलाम पढ़ने में शर्माने वाला आशिक नहीं होता। बुलंद आवाज से और मोहब्बत के साथ पढ़िए वक़ार दुरूद व सलाम। हम हुजूर के गुलाम, हुजूर के जो आशिक हैं, हमारे लिए दुरूद व सलाम एक ऐसा वजीफ़ा है कि ये हमारे दीन की रूह है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं। दुरूद व सलाम हमारे लिए दीन का एक रूह है। जिस तरह इंसान के जिस्म के अंदर रूह होती है, रूह निकल जाए तो इंसान दुनिया से चला जाता है, इसी तरह दीन इस्लाम के अंदर दुरूद व सलाम इसका एक रूह है। अगर हम इस दुरूद व सलाम के साथ मोहब्बत नहीं करेंगे तो समझ लें कि दीन इस्लाम से रूह निकल गई। हजूर इमाम नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अकदस के अंदर सहाबी रसूल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
आप मुझे कोई एक ऐसा वजीफ़ा बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं हर वक्त करता रहूं या मुझे उससे फ़ायदा पहुंचे। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, सवाल करने वाले, तू ऐसा किया कर के मेरी ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ा कर। चिल्ली सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, उच्ची अक्सो सुभान अल्लाह। तुसा शायद माड़ी तबीयत ने वाकुफ कोई ना, तो माड़ा रोज़मर्रा ना ये काम है, उच्ची आखसो सुभान अल्लाह, तो मैं भी तुसा नाल चलसा। तबीयत खराब है तो तुसा चलासो, तुसा ने जोक मिगी नाल चलाई खड़सी, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। अहबाब वकार सहाबी रसूल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपकी ज़ात अक़दस पर एक हिस्सा दुरूद व सलाम पढ़ा करूँ, क्या ये मेरे लिए काफ़ी है? हजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, ए सवाल करने वाले सहाबी, अगर तू इतना एक हिस्सा भी पढ़ेगा वो भी काफ़ी है, लेकिन तू ज़रा इसको बढ़ा देगा तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। समीन जबकार सहाबी रसूल ने फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मैं इसका दूसरा हिस्सा कर लूँ, यानी दो हिस्से दुरूद व सलाम पढ़ लूँ? अकाले सलातो सलाम ने फरमाया, अगर दो हिस्से पढ़ेगा तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन इसे और बढ़ा देगा वो भी तुम्हारे लिए बेहतर है। अल मुख्तसर के सहाबी रसूल ने अकाले सलातो व सलाम की बारगाह अक्दस के अंदर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मैं सारा वक्त आपकी ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ा करूँ, सारा वक्त पढ़ता रहूँ? तो हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, अगर तू सारा वक्त मेरी ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ता रहेगा तो तुम्हारे लिए दुनिया में भी भलाइयाँ हैं, तुम्हारे लिए आखिरत में भी भलाइयाँ हैं। फिर मोहब्बत के साथ पढ़िए ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फलक के नजारों, जमी की बहारों, फलक के नजारों, जमी की बहारों, सभी खुशियाँ मनाओ, हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए वो नूर आ गए अनोखा निराला वज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया अरे कज कुलाओ अरे बादशाहो नजरें झुकाओ के बाद
अहबाब इस वक़ार अल्लाह वहद ला शरीक का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है, अजीम एहसान है कि जिसने हम पर फजल फरमाया, जिसने हम पे करम किया और हम सभी उसके पाक घर के अंदर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजाए बैठे हैं। दुआ गो हैं कि खालिक कायनात हम सब की साय जमीला को खालिक लम यज़ल अपनी पाक बरगाह इलाही के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। समीन वकार मैं मशकूर और ममनून हूँ जनाब हाफज़ अहमद रज़ा कादरी साहब कि जिन्होंने मुझ बंदा नचीज़ को मदु फरमाया। खालिक कायनात इनको दोनों जहान की भलाइयाँ अता फरमाए। दर हकीकत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का ये महीना बड़े ज़ोरों और शोरों से चल रहा है और मोहब्बत वाले दीवाने मस्ताने हुजूर के ग़ुलाम पूरा साल इस महीने की इंतज़ार में रहते हैं कि कब हुजूर की विलादत बसादत का महीना आए। तो हम कूट कूट कर हुजूर से मोहब्बत के दावे करें, यह दीवानों का शेवा है और 1400 साल पहले से हुजूर की मोहब्बत का ये चिराग जल रहा है और क़यामत तक जलता रहेगा। चाहे कोई तरह तरह के बकवासात करता रहे, सवालात करता रहे, किसी चीज़ को रद्द करने की कोशिश करता रहे, चाहे कोई कुछ करे, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद हुजूर की दुनिया के अंदर विलादत होने से पहले भी होता रहा और मैदान महशर के बाद भी होता रहेगा। हुजूर का मिलाद रब ने जब बना दिया, रब्बे कायनात की जात ने बना दिया और रब्बे कायनात की जात ने उस वक्त बनाया जिस वक्त अभी तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जहूर भी दुनिया के अंदर नहीं हुआ था। उसके अलावा रब ताला ने जब ये इरशाद फरमा दिया कि वरफाना लका जिक्रक के महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कुरान मजीद के अंदर रब का ये जिक्र कुरान के अंदर जब आ गया कि महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया तो मैं आप ऐरा गैरा नथु खैरा कोई भी बकवासात करने वाला कोई भी हुजूर का जिक्र ना भी करे, हुजूर की विलादत की खुशी ना भी करे, तब भी मेरे नबी का जिक्र होता रहेगा, तब भी मेरे नबी का जिक्र होता रहेगा। वो इसलिए होता रहेगा कि रब ने खुद फरमा दिया कि मैंने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया। रब तो जिक्र करता रहेगा। तो समीन वकार आज हम उसी नबी के जिक्र के लिए, उस नबी की महफल की जिक्र के लिए यहाँ बैठे हैं। कोशिश करूँगा कि तबीयत ने साथ दिया तो आप अहबाब को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिक्र की बातें सुनाऊँ। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर रब कायनात ने बड़े वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाया, कुल बिफ़ादलिल्लाहि वाबी रहमतिही फबी ज़ालिका फलियफ़रहू। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए। इसके अंदर बड़े नुक्ते की बात है कि कुल के अंदर बड़ा नुक्ता है, इसके अंदर बड़े राज और नियाज की बातें हैं कि कुल ऐ महबूब आप फरमा दीजिए।
या बारे इलाही मैं फरमा दूं। हुजूर ने सवाल किया, या बारे इलाही मैं फरमा दूं कौम को, अपने गुलामों को, तेरे बंदों को, मैं क्यों फरमाऊं जब बारे इलाही तू कुल हुवल्लाह वहद है, अल्लाह उस्समद है, लम यलिद और लम यूलद है, तू तो खालिक हकीकी है, तूने तो सारी कायनात को बनाया, तूने तो चरिंदो परिंद को बनाया, हर चीज को तूने बनाया, तो बारे इलाही तू मुझसे कहलवाना चाहता है कि महबूब तू फरमा दे। आखो ना सुभान अल्लाह, उच्ची आखो सुभान अल्लाह, गज वज के बोलो एक दफा सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे महबूब, मैं तेरी जुबान से अपने गुलामों को इसलिए कहलवाना चाहता हूँ कि तू दुनिया के अंदर जब तुझे मैंने भेजा, दुनिया के अंदर जाकर तूने मेरी वहदानियत का इस तरह लोगों से इकरार करवाया, तूने अपनी खत्म नबुव्वत का लोगों को से इस तरह इकरार करवाया कि तू तेरी हर बात, एक तो मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, बल्कि सहाबी रसूल हैं, वो तो तेरी बात हर हाल में मानेंगे, लेकिन ऐ महबूब तूने साबित कर दिया जो तुझे नहीं मानने वाले, जो तुझे नहीं मानने वाले, इसके अंदर कान आता है, अबू जहल आता है, अबू लहब आता है, नमरूद आता है, बल्कि इन सारों का बाप लाइन शैतान आता है, जो तुझे नहीं मानने वाले, लेकिन उसके बावजूद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं तुझसे ये वादा लोगों तक इसलिए पहुँचाना चाहता हूँ कि जब तू अपनी जुबान मुबारक व दुहा वाली जुबान से इरशाद फरमाएगा, वल्लाइल वाली जुल्फ से इरशाद फरमाएगा, यदुल्लाह के हाथों से तू लोगों को इशारा करके फरमाएगा, तो ये लोग जो नहीं मानने वाले वो भी तेरी जुबान का इकरार करके तेरी बात को मान लेंगे। समीन वकार, रब ने अपने महबूब से इकरार करवाया कि तू लोगों को ऐलान कर दे कुल, ये पहला लफज है कुल, जिसके अंदर मुसलमान तो मुसलमान थे, हुजूर के गुलाम तो गुलाम थे, हुजूर के सहाबा तो सहाबा थे, ये अलग बात है कि मानने वाले के लिए दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना मानने वालों के लिए दलील की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मानने वाले तो मानते थे, लेकिन हुजूर का ये कमाल देखें, हुजूर का ये जमाल देखें, हुजूर की ये अजमतें देखें, और सबसे बड़ी बात हुजूर की सच्चाई देखें कि जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई इरशाद फरमा दिया, कोई रब का फरमान जारी कर दिया, तो किसी काफर, किसी मुर्तद, किसी मुनाफिक को भी जुर्रत नहीं पड़ी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह झूठा कह दे। ये हुजूर की सीरत है, ये हुजूर का अमल है। जो नुक्ता आपको देने जा रहा था वो नुक्ता क्या था कि जिस नबी का आज हम मिलाद मना रहे हैं, जिस नबी की हम पूरा साल इंतजार करके खुशियां मनाते हैं, जिस नबी के खातिर हम अपनी जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, जब सारी अपनी जिंदगी के अंदर उस नबी ने झूठ नहीं बोला, तो फिर उस नबी के उम्मती और उस नबी के गुलाम झूठ क्यों बोले? सोचने वाली बात है ना कि बंदा जिसे चाहता हो, बंदा जिसे मोहब्बत करता हो, चाहे बाप की सूरत में हो, चाहे माँ की सूरत में हो, चाहे औलाद की सूरत में हो, चाहे मजाजी मोहब्बत हो, चाहे कोई भी मोहब्बत हो, जिसको जो कोई जिस किसी के साथ मोहब्बत कर रहा होता है, फिर बंदा कोशिश यही होती है कि उसकी हर अदा को अपनाया जाए, मोहब्बत करने वाले की हर अदा को अपनाया जाए,
वो चलता कैसे है, मैं भी ऐसे ही चलूं। वो बातें कैसे करता है, मैं भी ऐसे बातें करूं। वो कपड़े कैसे पहनता है, मैं भी ऐसे ही पहनूं। उसका अंदाज कैसा है, मैं भी ऐसा अंदाज अपनाऊं। हर बंदे का एक दस्तूर है, दुनिया का एक कानून है। तो जो वो नबी, जिस नबी ने पैदा हुआ आंखें नहीं खोली लेकिन जुबान से रब्बी हबली उम्मती कहता है, वाह मुकद्दर वाले उम्मती हो हुजूर के, बड़े मुकद्दरों वाले हुजूर के तुम गुलाम हो कि जिनके उम्मती बने और जिनके गुलाम बने। कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो आपने अभी आंखें नहीं खोली लेकिन जुबान अकदस से जुबान हिल रही है, ओंठ हिल रहे हैं। तो कहते हैं कि जब कान करीब किए तो जुबान से आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। यार इतना बेनियाज नबी, इतना लजपाल नबी हमें मिल जाए, हमारा नबी हो, और फिर हम उस नबी की सीरत को अपनाए ना, फिर कैसी गुलामी रसूली है, फिर उस नबी के दावे कैसे हैं। रब कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا। ऐ महबूब अपनी सच्ची जुबान एकदस से आप लोगों को इरशाद फरमा दें, कुल बिफ़द्ल अल्लाह, जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से, किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से कोई फजल मिले या उसकी रहमत मिले तो तुम करो क्या, तुम खूब खुशियां मनाया करो। तो जब हमें कुरान ये कहता है, जिस पर हम सब का ईमान है, ना मानने वालों का भी ईमान है, कि कुरान के अंदर कोई बात झूठी हो सकती नहीं, तो फिर हमें तो कुरान कह रहा है कि तुम्हें जब अल्लाह की तरफ से कोई फजल मिले या उसकी रहमत मिले तो तुम खूब खुशियां मनाओ। तो समीने जवकार, फिर हम उस नबी के खुशियां क्यों ना मनाएं, कि जिस नबी के वसीला से, जिस नबी के वसीला से हमें यह पता चला, जिस नबी के आने की वजह से हमें यह पता चला कि जो बेटियां होती हैं वो जिंदा दरगोर करने वाली चीज़ें नहीं होती, बल्कि उनसे प्यार करना होता है, वो कल बारोज़ क़यामत हमारे लिए ज़रिया नजात और ज़रिया बख्शिश बने। किसने हमें बताया? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। जो माँ बाप जिनको तुम घर के अंदर गालम गलोच करते हो, बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें घरों के अंदर घसीटते हो, घरों से निकाल देते हो, वो माँ बाप मंडियों के अंदर बेचने वाले के लिए नहीं, वो माँ बाप घरों के अंदर घसीटने के लिए नहीं होते, बल्कि माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है। यह हमें किसने बताया, यह हमें किसने बताया कि वालदैन की अजमत क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो हमें पता चला। तो समीने वकार, जब सारी चीज़ें हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत की वजह से पता चली कि हलाल क्या है, हराम क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, भाई क्या है, बहन क्या है, घर के अंदर जो औलाद है उसकी अजमत क्या है, औलाद की शानें क्या हैं, पड़ोसियों के हकूक़ क्या हैं, हकूकुल्लाह क्या है, हकूकुल इबाद क्या है, समीने जवकार नमाजें जो बाद में आई इनकी हमें फजीलत का पता, ये हुजूर ने हमें हर चीज़ हमें हुजूर ने बताई, तो फिर मान लेना कि हुजूर हमारे लिए फजल भी हैं और रहमत भी हैं। फिर ये बात माननी पड़ेगी कि रब का फजल हुआ तो हुजूर की सूरत में हमारे लिए फजल आई, रब की रहमत हुई तो हुजूर की सूरत में हमारे लिए रहमत हुई। समीने जवकार, अब सवाल पैदा होता है जहन के अंदर कि मैंने कह दिया कि रब ने रहमत भेजी, रब का रहमत हुआ तो हमारे लिए हुजूर रहमत बन गई। सवाल करने वाले कहते हैं ना, तो क्यों ना इसकी भी दलील
कुरान मजीद से ही निकाल के आप अहबाब के सामने रख दूँ, पता चल जाता है कि रब की रहमत और महबूब की रहमत कोई जुदा नहीं बल्कि एक ही है। खालिक कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद की पहली सूरह मुकद्दसा सूरह फातिहा शरीफ, जो हर एक नमाजी जो नमाज पढ़ने वाला हो, अल्लाह हम सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो नमाजी नमाज पढ़ने वाला है, जब वो सूरह सना ख़त्म करता है, सूरह फातिहा की इब्तदा करता है, तो यूं कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये शान रब्बे कायनात ने अपनी जात के लिए फरमाया कि वो दो जहानों के लिए रब्बुल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई, अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस कदर मेरे रब को प्यार है कि रब्बे कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमा दिया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। थोड़ा जा और ऊंचे बोलो वाला, तुस यंग जवान बैठे हुए और तुसनी आवाज इतनी होनी चाहिए कि लोग गोले तक सुनी दा दौड़ने चुन पछड़े महफल होनी पी। हुजूर ने दीवाने बैठे हैं, पता चले और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सदके नाल ये असी जबाना मिलिया, ये आवाजा मिलिया, ये जाना मिलिया, सब हुजूर ने सदकाया, तो फिर असें गज वज के कहना चाहिए ना। और चाह सुभान अल्लाह, तो समीने वकार पता हमें चला कि रब कायनात की ज़ात जिसने रब्बुल आलमीन खुद को कहा और रहमतुल लिल आलमीन अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कह दिया, तो फिर हमें उस नबी के फजल उस नबी की रहमत के लिए खुशियाँ मनानी चाहिए। अहबाब वकार, मेरे और आपके प्यारे अकाल सलातु वस्सलाम, जब आपकी विलादत बसआदत होती है, वाकई आपने काफ़ी मुर्तबा सुना है, लेकिन दिल की चाशनी के लिए मोहब्बत के लिए आप अहबाब के सामने गोश गुजार कर देता हूँ कि खालिक कायनात ने जब अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर ज़हूर फरमाया, आपकी विलादत बसआदत हुई, किताबों के अंदर आता है कि अबू लहब की एक लौंडी थी जिसका नाम था सोबिया, अरबी नाम उसका सोयबा है और उर्दू के अंदर उसे सोबिया कहते हैं, उसका नाम सोबिया है जो अबू लहब की लौंडी है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसआदत हुई, तो वो जो सोबिया लौंडी है वो दौड़ती हुई भागती हुई अबू लहब के पास गई, अबू लहब तुझे मुबारक हो, तुम्हारे घर में भतीजा पैदा हुआ है, तुम्हारे घर में तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ, अपत्रिया जिसे जाने हो, तुम्हारे घर में भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब तो काफिर था ना, उसको क्या पता कि ये शानों वालों वाला है कौन, ये अजमतों वाली जात है कौन, लेकिन उसे खुशी हुई, किसको, अबू लहब को, उसको खुशी ये हुई कि मेरे घर के अंदर मेरा भतीजा पैदा हुआ। उसने इस खुशी के अंदर आकर ना, बेतहाशा खुशी हुई, इस खुशी के अंदर आया आकर उसने उस सोबिया जो लौंडी थी उसे कहा, तूने मुझे मेरे भतीजे की विलादत की खुशी दी है ना, ऐसे उंगली से इशारा किया, जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। आसान लफ्जों के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि समझ आ जाए, उंगली से इशारा किया, जा तूने मुझे मेरे भतीजे की खुशी दी, मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। अहबाब वकार, सोबिया जो अबू लहब की लौंडी है वो आज़ाद हो गई, चली गई।
कुछ अरसा के बाद, महीनों के बाद, सालों के बाद, अबू लहब जो मर्दूद था ना, वो वासले जहन्नम हो गया, मर गया। क्या हुआ? मर गया। मरने के बाद बेशुमार इसके रावी हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप रवायत करते हैं कि उसके अबू लहब के घर वाले को किसी को ख्वाब के अंदर आया और अबू लहब से घर वाला पूछता है कि तू बता मरने के बाद तेरा क्या हशर हुआ, मरने के बाद कब्र के अंदर तेरा क्या हशर हुआ। तो अबू लहब ने जवाब दिया, ओए बंदे ने पुत्रो, मैं तो बहुत बकवास करना रहा दुनिया, मैं तो मरे हैं तो पता चलिया इतना तो लाल बड़े खराब है। एक गल किस आई अबू लहब, एक गल तुसा ही नाल समझाने हैं कि ये ना आहो कि मरसा का पता लग सी उत्था लात वाकया खराब नहीं, कुछ अमल कोलो सुनता उत्था बंदा बचत होनी है, वैसे कोई नहीं होनी, ये सारियां एवं गल्ला होनियाँ दिला तसलियां देने नहीं। छोड़ो मरसा का तकसा, मरसों का मरने वास्ता किता वा क्या तुसा, कुछ कोल अमल होसन ते अगे बख्शिश ना जरिया बनसी, इस रस्ते अपना ख्याल रखो। अबू लहब ने जवाब दिया कि जब से मैं मरा हूं कब्र के अंदर आया हूं अजाब ही अजाब ही, फरिश्ते जिधर से आते हैं मारते हैं, फरिश्ते जिधर से आते हैं मारते हैं, जहन्नम में जलाते हैं, हर वक्त जहन्नम की आग में जलता रहता हूं, बड़े बुरे हाल में हूं। लेकिन हाँ एक बात है, वो क्या कि मेरा वो भतीजा नहीं मोहम्मद पैदा हुआ था सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब वो पैदा हुआ ना तो वो लौंडी सोबिया आई ना मुझे मुबारक देने के लिए, खुशखबरी देने के लिए, तो मैंने भतीजे की पैदाइश की खुशी में आकर उसे उंगली से इशारा करके आज़ाद किया था। तो मैंने जब उंगली से इशारा किया उसे आज़ाद कर दिया, भतीजा समझकर, आखिरी नबी समझकर नहीं, भतीजा समझ के मैंने उसे आज़ाद किया। तो जब भी पीर का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, लोग कहते हैं वो तुम हाली 12 रबीउल अव्वल की महफिल सजाने हो, अल्लाह उस लहीन मर्दूद की सोमवार ने दिन आज थोड़ी अजाब ही तकलीफ बचना, तो असा तो नबी ने गुलाम है, असा बड़े मुकदर वाले हैं, तो रब असा ही पक्षी ना। जब पीर का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, तो मेरे अजाब के अंदर तखफीफ होती है। क्यों? कि वो उंगली जिस उंगली से मैंने लौंडी को आजाद किया था अपने भतीजे के पैदा होने की खुशी में, मैंने उस लौंडी को आजाद किया था तो अपने भतीजे की पैदा होने की खुशी की वजह से मैंने लौंडी को आजाद किया, तो रब को मेरी ये अदा पसंद आई, रब को ये मेरी अदा पसंद आई। हालांकि आखिरी नबी समझ के नहीं बल्कि भतीजा समझ के मैंने लौंडी को आजाद किया, भतीजे की खुशी में आजाद किया, रब को मेरी ये अदा पसंद आई, मेरी इस उंगली के इशारे को रब देखता रहा। जब मैं मर के कब्र के अंदर आया तो मरने के बाद हर वक्त मुझे अजाब होता है, लेकिन खालिक कायनात जब सोमवार का रोज आता है, पीर का दिन आता है, तो रब्बे कायनात मुझे इस उंगली के इशारा करने की वजह से इस उंगली के अंदर ऐसा शायद जैसी कोई चीज डालता है कि मैं उसे अपने मुंह में डालता हूं, मैं उसे अपने मुंह में रखता हूं, उसे चूसता हूं, तो सोमवार वाले दिन मेरे अजाब के अंदर तकलीफ होती है, मेरा अजाब कम होता है। तो यार वो अबू लहब मर्दूद हुजूर का दुश्मन, हम सब का दुश्मन, तो जब वो नबी समझकर भी नहीं बल्कि सिर्फ भतीजा समझ के हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशी में लौंडी को आजाद कर दे, तो वो रब कितना बेनियाज रब है, कितना गफूर रहीम वो रब है कि उसने एक काफर को हुजूर की रहमत से महरूम नहीं किया, हुजूर की रहमत से महरूम नहीं किया। तो फिर हम जब
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, तो फिर वो रब हमें महरूम कैसे करेगा? हमारा तो यकीदा है, तो फिर हम मोहब्बत से ये ना पढ़ लें, फजल रब बन उला और